देखिए, बोलने की आजादी छीनी नहीं है, ये सुनने की आजादी छीन गई है। ये सुनना ही नहीं चाहते हैं। आप इनको सुनाते रहिए, समझाते रहिए, बोलते रहिए, सुनेंगे ही नहीं। कान के अंदर रुई लगा लिया है, इसकी गलती हमारी नहीं अंजना जी। आप देखिए, ये बंद हुए हैं अभी तक? ये अभी तक बंद नहीं हुए हैं, ये अभी तक लगातार बोले जा रहे हैं और चाहते हैं कि इनको और आजादी दे दें। और आजादी दे दें तो क्या टीवी से बाहर आके चिल्लाएंगे? मतलब क्या चाहते हैं, क्या है? देखिए, एफआईआर की बात हुई, अंजना जी आप जानते हैं मेरे खिलाफ कितने एफआईआर हुए हैं? पूरे देश में लगभग 150 एफआईआर मेरे खिलाफ कांग्रेस ने कराया हुआ है। आप पत्रकारों के खिलाफ कितने एफआईआर कांग्रेस शासित राज्यों में हो रहे हैं आप भी जानते हैं। ये कौन सी एफआईआर की बात कर रहे हैं? इसलिए देखिए, ये सुन रहे हैं आपके सामने बोल, देखिए कितनी आजादी लेंगे। देखिए, ये सारी आजादी एक दिन में खत्म हो जाएगी, नॉन स्टॉप 6 से 7 बजे तक बोलते रहेंगे, ऐसा होता है क्या? आप पूछिए आपके मन में क्या सवाल है जिसको लेकर आप रुष्ट शांत हो जाइए। अंजना जी देखिए, देखिए जरा कैसे कैसे बोलूं, कैसे बोलूं बताइए। आप 10 सेकंड बोलने देते हैं, उसके ऊपर ये चिल्लाते रहते हैं। बताइए, मतलब ठीक है। अरविंद वाजपेयी जी बोलने की आजादी नहीं है देश में, ये बोल तो रहे हैं। चिराग पासवान, रामविलास पासवान, बिहार के लोगों को क्या समझ में आ रहा है? क्या उनको भी डर लगता है? देखिए अंजना जी, सोनिया गांधी ने जो ट्वीट किया है वो एक्चुअली मुझे नहीं लगता कि कोई मैच्योरिटी का संदेश जा रहा है उससे। देखिए, राजनीति के लिए अगर आप खाली ट्वीट करेंगे तो वो चलेगा नहीं। देखिए, किसने इमरजेंसी लगाई थी बताइए? संविधान का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा? कोर्ट फंक्शन कर रहे हैं, कोरोना काल में भी सुप्रीम कोर्ट और बाकायदा सारे कोर्ट फंक्शन कर रहे हैं। रात को 12 बजे आप दरवाजा खटखटाइए तो भी आपको न्याय मिलेगा। मतलब किसने, ये कहां से बात आ गई? ये डेमोक्रेसी पे खतरा है, प्रजातंत्र पे खतरा है, ये कैसे, किस, मतलब एक एग्जाम्पल तो देंगे ना। अनुराग जी ने बोला और उन्होंने बोला तो देखिए अरविंद जी क्या कहा। अरविंद जी, एक सवाल सुनिए। देखिए, जो आरोप है वो, इस पर आशुतोष जी भी बोलेंगे, मैं उनके पास जाऊंगी। जो आरोप है वो ये है कि देश में विभाजन हुआ है सोच और विचारधारा के आधार पर। या तो आप एक्सट्रीमली राइट विंग हैं, जिसमें ये माना जाता है कि एक अलग नाम भी दिया गया कि आप भक्त हैं, मोदी के ही चाहने वाले हैं, और आप सब कुछ, सरकार जो भी करे उसकी वाहवाही कीजिए। एक दूसरा पक्ष है जो सवाल खड़े करता है, उसको पूरा रंग दिया गया है कि ये देशद्रोही हैं, देश के खिलाफ हैं, और आरोप ये है कि देश की जो संस्थाएं हैं वो बीच में नहीं खड़ी हैं तटस्थ, उन पर भी दबाव और प्रभाव है राइट विंग का। ये आरोप है, इसको समझिए, इस पर जवाब दीजिए। संविधान के हिसाब से चलेंगी, रूल ऑफ द लॉ के हिसाब से चलेंगी, चाहे वो मोदी की सरकार है, चाहे मनमोहन सिंह की सरकार थी। देखिए, पार्टी और सरकार को अलग करके देखना होगा आपको। पार्टी की आइडियोलॉजी हो सकती है, मैं मानता हूं कि पार्टियों की आइडियोलॉजी होगी, लेकिन सरकार की आइडियोलॉजी नहीं होगी। सरकार जो बिल्कुल कानून के और संविधान के हिसाब से काम करेगी। क्या देश में इमरजेंसी लगा दी? क्या देश में किसी राज्य पे राष्ट्रपति शासन लगाया गया? अगर इनका इतिहास देखेंगे तो 76 बार राष्ट्रपति शासन कांग्रेस के उसमें लगा, हमने तो 6 साल में एक पे भी नहीं लगाया किसी पे। बता दीजिए आप अगर किसी पे लगाया। देखिए, देशद्रोह का मुकदमा कितने लोगों पे 6 साल में दर्ज हुआ है? अगर आंकड़े आप देखेंगी तो मुश्किल से 200 लोगों पे हुआ होगा, और 200 लोगों पे भी किस पे हुआ होगा? जिन्होंने अनाप शनाप बातें करी होंगी, और वो भी सोशल मीडिया पे करी होंगी या अखबार पे करी होंगी, और ये कानून पहले से अवेलेबल है, उसी कानून के तहत कार्रवाई होती है। देखिए, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर को चोर कहा, क्या कहा हमने? सरकार ने कोई एक्शन लिया? सरकार ने कोई एफआईआर ले ली? सरकार सिर्फ कार्रवाई करती है करप्शन के खिलाफ, सरकार कार्रवाई करती है अगर वो कानून संबद्ध कार्य नहीं करेगा। देखिए, इसको इस तरीके से नहीं लेंगे। इनको तो पूरी फ्रीडम है, चाइना पे सवाल पूछो, सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल पूछो। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या किसी ने इंटरफेयर किया? बिल्कुल नहीं। राम मंदिर पे कितना उकसाया गया, क्या सरकार ने इंटरफेयर किया? जबकि सरकार संविधान के हिसाब से कर सकती थी, लेकिन सरकार ने कहा कि नहीं, हम नहीं करेंगे। तो किस चीज का डर है? हम अभी देखिए, ये ढकोसलेबाजी है। हम अभी आपको, ठीक है, हम आपको